राम राम किसान मित्रों, पायनियर के पास एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है जो कि पछेती खेती के करने वाले किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, या मतलब ये बहुत ही कम समय में पक करके तैयार हो जाती है। तो मतलब अगर आपके पास नवंबर भी बीत रहा है, ऐसे समय में आप सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो यह प्रजाति आप बुआई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी सबसे पॉजिटिव बात है कि इसके कितना प्रतिरोधकता और किसी और वैरायटी में आपको नहीं मिलेगी। तीसरी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो भी आप इस प्रजाति की बुआई करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपके पास बजट भी ज़्यादा नहीं है तो भी आपकी यह बजट की है, क्योंकि यह लगभग 550-600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पायनियर की इसी वैरायटी 35S 35 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि यह कितने दिन में पक करके तैयार होती है, प्रति एकड़ कितना उत्पादन देती है, तेल की प्रतिशत मात्रा क्या है, किन किन रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, 1000 दानों का वजन कितना है, शाखाएं कितनी निकलती हैं, पौधे की ऊंचाई क्या है, किन किन प्रदेशों में आप बुआई कर सकते हैं और 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अन्य किसान मित्रों के साथ साझा भी जरूर कीजिएगा। बात करें 45S 35 की, तो इसे विकसित और मार्केट करने का काम पायनियर कंपनी का है। बात करें यह कितने दिन में पक करके तैयार हो जाती है, तो यह मात्र 105 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, जो कि काफ़ी कम है। इतने कम समय में तैयार होने वाली बिरली बहुत ही कम कंपनियों की बहुत ही कम सीड्स आती हैं जो इतने कम समय में तैयार होती हैं। तो इसकी जो परिपक्वता अवधि है यह काफ़ी कम है। और प्रोडक्शन की बात करें कि 1 एकड़ में कितना ज़्यादा उत्पादन दे देती है, तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। जो कि जो मीडियम वैरायटी जाती हैं या लॉन्ग वैरायटी जाती हैं वो ऐसा उत्पादन दे पाती हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट है इतने कम समय में इतना ज़्यादा उत्पादन। तेल की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 40 से 42% इसमें तेल की मात्रा भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। दाने की गुणवत्ता की बात करें तो दाने गहरे काले रंग के होते हैं, मोटे एवं चमकदार होते हैं और वजनदार भी होते हैं। बात करें प्रतिरोधकता की, तो इसकी प्रतिरोधकता जितनी ज़्यादा है उतना किसी और में मैंने देखी ही नहीं है। क्या क्या प्रतिरोधकताएं मिल रही हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले रस चूसक कीट जो माहू तेला लगते हैं वो भी इसमें बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं, उनके प्रति यह काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, जो कि अन्य किसी और वैरायटी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही यह पाला के प्रति भी सहनशील है। हाँ, एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो सफ़ेद रतुआ रोग लगता है उसके प्रति यह सहनशील नहीं है, तो उसके लिए आपको जो आवश्यक दवाइयाँ होंगी वो डालनी पड़ जाएंगी। साथ ही सूखे के प्रति भी सहनशील है, मतलब इसे आप बिरानी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, जहाँ आपके पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हो वहाँ भी आप इसे लगा सकते हैं और यह आपको अच्छा खासा उत्पादन दे देगी। बात करें 1000 दानों के वजन की, तो इसके लगभग 4 से 5 ग्राम 1000 दानों का वजन होता है। शाखाओं की बात करें तो लगभग 20 से 22 शाखाएं इसमें निकल आती हैं, जिनमें 280 से 290 फलियां लगती हैं और प्रत्येक फली में 18 से 20 दाने भी होते हैं। पौध की ऊंचाई की बात करें तो 180 से 185 सेंटीमीटर इसके पौध की ऊंचाई होती है, इसीलिए इसका जो उत्पादन है वो इतना ज़्यादा है। प्रदेश की बात करें कि किन किन प्रदेशों में इसकी हम बुआई कर सकते हैं, तो इसे सभी स्टेट में बुआई कर सकते हैं। वैसे बिरानी मिट्टी के लिए तो आप किसी भी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, जैसे हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, मध्यम मिट्टी है, तो किसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं। सुखाड़ एरिया है वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट है और हर प्रदेश में इसकी बुआई भी हो सकती है। बात करें बीज दर की कि 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, तो सभी प्रजातियों की तरह इसमें भी अगर सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम बीज लगेगा, वहीं अगर आप छिटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं तो 1 किलो 250 ग्राम बीज पर्याप्त होगा 1 एकड़ खेत के लिए। मेरे हिसाब से तो यह प्रजाति किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कि सिंचाई भी अगर व्यवस्था नहीं है तो भी आप लगा सकते हैं। आप बुआई में काफ़ी पीछे चले गए हैं, नवंबर बीत रहा है तो भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं,
मतलब यह प्रजाति जो है वो काफ़ी मुझे बेस्ट लगती है। अगर आपने इस प्रजाति की बुआई की है तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। मिलता हूँ जल्द ही एक और वीडियो के साथ। चलाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान, जय किसान।